अजमेर के दरगाह क्षेत्र में खानाबदोश जीवन बसर कर रही युवती के साथ एक साल में दूसरी बार सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरगाह पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि युवती ने सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दी है। इसमें पीड़िता ने बताया कि सद्दाम, सोनू और रज्जाक नाम के युवकों ने धमका कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने बताया कि वह 1.5 साल पहले जियारत करने अजमेर दरगाह आई थी, इस दौरान भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इसकी शिकायत दरगाह थाना पुलिस को दी थी, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बेसिकली एक लड़की है जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, यहाँ दरगाह में करीब 2 साल पहले हाजिरी के लिए आई थी। अब अंदरगोड की तरफ टपरी बना के रहती है, जिसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3-4 लड़कों का नाम बताया कि उन्होंने उसके साथ में बलात्कार किया, डरा धमका के, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर दिया। अनुसंधान श्रीमान डिप्टी साहब द्वारा किया जाए।